महाराष्ट्र में क्या उद्धव की गल पाएगी दाल। आदित्य ठाकरे के बयान से बढ़ा सियासी तापमान। सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव को याद दिलाई पिता की विचारधारा। कोर्ट से सजा मिलने के बाद बिलबिलाने लगे उद्धव के नेता संजय राउत। ये पूरी न्याय व्यवस्था का संघीकरण हो गया है। आपने कहा चीफ जस्टिस के घर पे है। मैंने कहा ना चीफ जस्टिस के घर में हमारे प्रधानमंत्री लड्डू खाने को जाते हैं प्रसाद का, पूरा देश देखता है। तो कहाँ हमारे जैसे लड़ने वाले लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा? हमको तो सजा ही मिलेगी ना। पॉलिटिकली वेंडेट के तहत जो आपने देखिए, न्यायपालिका देश की पूरी तरह से प्रेशर में है। न्यायपालिका का संघीकरण हो गया है, हर पद पर संघ की व्यक्ति बैठी है और बाहर से कोई रिमोट कंट्रोल पे ऑपरेट करता है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। तीन बड़ी खबरें हैं। देखिए, पहली ये है कि उद्धव ठाकरे बिलबिला रहे हैं क्योंकि उनके बेटे का बयान सामने आया है। वो बात के बाद जब कांग्रेस और एनसीपी ने दरकिनार कर दिया उद्धव को, उद्धव की क्या दाल एमवीए में गल पाएगी, बड़ा सवाल है। सवाल नंबर दो ये आता है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पिता का गुणगान कर रहे हैं, वो भी तब जब कांग्रेस और शरद पवार ने किनारा कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर सुनिए, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बताई हार की वजह कि आप क्यों हार गए, बार बार आप क्यों जनता से भी हार गए और क्यों आप आने वाले समय में भी विधानसभा चुनाव में हारेंगे। हालांकि अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, चुनाव होने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। और आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को यहाँ पिता की विचारधारा याद दिलाई गई है और ये तक कहा गया कि क्यों आखिर वो चुनाव हारने वाले हैं। और इसी चक्कर में आपको बता दें एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने याद दिला दिया है कि आपने कैसे अपने पिता की सियासी जमीन खोई है, उनके विचारधारा को खोया है। तो आज आप महाराष्ट्र में किसी लायक नहीं बचे हैं, ना घर के बचे ना घाट के बचे। कांग्रेस पूछ नहीं रही है, शरद पवार भाव नहीं दे रहे हैं, बेटे अब माहौल बना रहे हैं कि और तो कोई बचा नहीं। तो यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया कि किस तरीके से यहाँ पर बार बार उद्धव ठाकरे ने अपमान किया मराठा का। मराठा आंदोलन में भी उद्धव ठाकरे का कोई रोल वैसा नजर नहीं आ रहा है। इवन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे ने पिता ने जो बातें कही, जो पुण्य कमाई पिता ने, जो महाराष्ट्र को बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है बाला साहब ठाकरे का, उसको मिट्टी में बो दिया। और देखिए, कुर्सी की लालच में उन्होंने ऐसा किया है और महायुति को मिला था जन समर्थन और उन्होंने महायुति का बीजेपी से गठबंधन छोड़ करके कांग्रेस के साथ जा मिले थे। जनता ने भी उन्हें सबक सिखाया, अपना पार्टी बच गई ना नामो निशान बचा। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ने याद दिलाई है उद्धव ठाकरे को उनकी वजह। और आपको बता दें इधर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, संजय राउत को बता दें आपको महाराष्ट्र के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से सजा मिली। सजा इस बात की मिली थी कि उन्होंने बीजेपी नेता पूर्व सांसद यहाँ किरीट सोमैया की पत्नी पर एक गलत आरोप लगाया था कि उन्होंने 100 करोड़ का टॉयलेट घोटाला किया है। उस मानहानि में संजय राउत को 15 दिन की जेल हुई है और 25,000 का जुर्माना लगा। तो देखिए, ऐसे में उद्धव के नेता देखिए पता नहीं क्या कर रहे हैं, ना जनता के सामने ये कुछ अपनी बातों को रख पा रहे हैं और उल्टा सीधा बयान देने की वजह से फंसते नजर आ रहे हैं। अब उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, अब वो पीएम को लड्डू खाने की याद दिला रहे हैं कि गणेश चतुर्थी में यहाँ पर चीफ जस्टिस के पास भी तो गए थे पीएम मोदी। मतलब सजा मिली कोर्ट से तो कोर्ट को याद दिला रहे हैं, चीफ जस्टिस की याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें बोलने वाले होते कौन है, चीफ जस्टिस ने थोड़ी मुझे सजा दी है। तो देखिए, पहले तो सुनाती हूँ आपको कि संजय राउत कैसे इस सजा के बाद बिलबिलाने लगे हैं, सुनिए जरा। 15 साल की सजा होने दो, ये न्यायालय है, न्याय के हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस है क्या? जिनको सजा देनी थी आपके पार्टी में आपको लेकर बैठे हैं। आप कितनी भी सजा मुझे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन की सजा दी है, आप कोर्ट को ऑर्डर पढ़िए। कोर्ट ने नहीं कहा है कि मैंने गलत कहा है, कोर्ट ने नहीं कहा, कोर्ट ने यह कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहा है। लेकिन वो जो नंगा आदमी है, दिन रात नंगा घूमता है, वीडियो पे मैं देखा, उसकी बीबी को लगता है उसके मन को वेदना हुई है। अपने हस्बैंड को नंगा देखकर वेदना नहीं हुई? सर उनका ये कहना, सर उनका ये कहना है कि आपको सजा नहीं हुई, उद्धव ठाकरे जी को सजा, किसी को सजा नहीं हो गई। ये पूरी न्याय व्यवस्था का संघीकरण हो गया है। आपने कहा चीफ जस्टिस के घर पे है। मैंने कहा ना चीफ जस्टिस के घर में हमारे प्रधानमंत्री
लड्डू खाने को जाते हैं प्रसाद का, पूरा देश देखता है, तो कहाँ हमारे जैसे लड़ने वाले लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा? हमको तो सजा ही मिलेगी ना। पॉलिटिकली मला जेल मध्ये पाठवायचे त्यांना पाठव द्या ना। जर आम्ही सत्यासाठी संघर्ष करत असताना जर कोणाला आम्हाला जेल मध्ये पाठवायचं असेल तर आमची तयारी आहे। आम्ही डरपोक आणि गांडू नाही तुमच्यासारखे। या देशाला फार मोठी परंपरा आहे न्याय आणि सत्यासाठी संघर्ष करण्याची, आणि आम्ही त्या संघर्षातले एक शिलेदार आहोत। सर, आपने कहा न्यायपालिका प्रेशर में है, उस प्रेशर के मद्देनजर इस तरह के जो आपने कहा? देखिए, न्यायपालिका देश की पूरी तरह से प्रेशर में है। न्यायपालिका का संघीकरण हो गया है, हर पद पर संघ की व्यक्ति बैठी है और बाहर से कोई रिमोट कंट्रोल पे ऑपरेट करता है। इसीलिए तो मैं सच बोल रहा हूं, मेरे पास एविडेंस है, हमने एविडेंस पेश किए हैं भ्रष्टाचार के आरोप। मेरे से पहले और भी लोगों ने आरोप किए हैं और अखबार में ये सब आए हैं कि नई बात है क्या? लेकिन कातिल किसको बनाया, सजा किसको दी? संजय राउत को, क्योंकि वो बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा है, वो मोदी और अमित शाह के दोगलेपन के खिलाफ खड़ा है, इसीलिए हमको सजा दी। आज प्रधानमंत्री का देखिए, संजय राउत ने अलगल बयान दिया है और संजय राउत वैसे भी जाने जाते हैं अपने बयानों की वजह से। 15 दिन की उन्हें सजा मिली है कारावास की, और हालांकि ये साधारण है लेकिन संजय राउत के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए है, संजय राउत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ये बताने में कि उद्धव ठाकरे ही महान है। अब आपको लिए चलते हैं आदित्य ठाकरे के बयान पर। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि सर्वविदित चेहरा है उद्धव ठाकरे। उन्होंने अपने पिता का गुणगान किया जबकि उनसे पूछा गया कि कांग्रेस ने तो ये बोला है और कि हम सीएम चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, इवन एनसीपी ने भी ये कहा है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, मेरे पिता की वजह से महाराष्ट्र में जनता का उद्धार हुआ है। कोरोना के समय में सबसे ज्यादा काम उद्धव ठाकरे ने किया है और यही वजह है कि जनता सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे जी को पसंद करती है। तो देखिए, ये बयान के बाद सियासी तापमान इसलिए चढ़ा है कि उद्धव ठाकरे को सीएम ना कांग्रेस पसंद कर रही है ना एनसीपी पसंद कर रही है। कांग्रेस तो ये तक बोल दिया कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, कांग्रेस के नेता ने कहा था मुख्यमंत्री हमारा होगा। इसी दाव से फंसे उद्धव और उनके बेटे के बयान से चढ़ा सियासी पारा कि अब एनसीपी और कांग्रेस क्या बोलेगी। आपको मैं एक बात और बता दूं, उद्धव ठाकरे के बारे में तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं और तरह तरह की जनता की प्रतिक्रिया आ रही है। जनता देखिए उद्धव पे जबरदस्त कमेंट कर रही है, साफ कह रही जनता कि ना हिंदू वोट का ये बंटवारा करते ना इनको ये दिन देखना पड़ता। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखिए एक से एक योजना सरकार लेकर आ रही है एकनाथ शिंदे ने, लाड़की बहन योजना, इसके बाद राजपूतों के लिए ब्राह्मणों के लिए 100 करोड़ का फंड जारी करना, ये तमाम बातें एकनाथ शिंदे के पक्ष में जा रही है और लोकसभा चुनाव में इसका बेहतर रिजल्ट मिल सकता है महायुति को। अब देखने वाली बात यह हो जाएगी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कैसा सियासी तहलका मचता है, कौन सा गठबंधन कमाल करेगा, जनता में मिसाल पेश करेगा। आप बने रहिए, आपको आगे महाराष्ट्र की एक एक पल की अपडेट आपको जरूर देंगे। शुक्रिया।